हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये एक चिड़िया है ना, ये हर रोज़ आती है अभी हमारी बालकनी में और पता नहीं क्या गाना गाती है कि किसी को बुलाती है, बड़ा शोर मचाती है ये। ये शानू का है कि खुशी का है? मेरा। तुम्हारा है? और है क्या ये? हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून्स? इनके नीचे मैं बास्केट डालूंगी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है शानू। थैंक यू। खुशी को क्या हो गया, इतने सैड क्यों है? खुशी, तुम्हारा नाम हमने खुशी रखा इसलिए था क्योंकि तुम बहुत ही खुश बेबी थी, ऑल द टाइम स्माइलिंग। आजकल बड़ी सैड सैड रहती है खुशी। वाई? मम्मा मैं सैड नहीं हूँ। ऐसा लगा मुझे। पापा बुली। पापा इज फ्रेंड। पापा डांटते नहीं है, पापा जस्ट प्ले विद यू ऑल। ये स्कूल के लिए है शानू? हाँ जी। और एक वो मंडाला आर्ट वाला भी था, वो ओके जब करोगी तो मुझे दिखाना। ये बहुत सुंदर है, कलर्स भी अच्छे लिए हैं तुमने। थैंक यू। देखा, खुशी स्टिल नॉट हैप्पी। आई सॉ सानवी का स्माइल, नॉट खुशी का स्माइल। व्हाई आर सो अनहैप्पी खुशी? मम्मा मैं अनहैप्पी नहीं हूँ। ऐसे ही आज हंसने का मूड नहीं है। इट्स ओके, होता है कभी कभी। हेलो एवरीवन, और ये देखिए मैंने यहाँ है ना छोले भिगोने रखे हैं। ये रात भर सोक नहीं किए हैं मैंने, अभी दोपहर में ही सोकिंग पे लगाया है। और अभी थोड़ा नहीं अच्छे से सोक हुए हैं ये। हाँ, हो गए हैं थोड़े, थोड़ा भी इसमें कमी है। जब आप छोले मतलब रात को भिगोना भूल जाते हो ना, तो इन्हें गर्म पानी में डाल के रख दीजिए। ये तो आप में से ज़्यादातर को पता होगा, गर्म पानी में अगर छोले डाल के रख देते हैं तो ये जल्दी भीग जाते हैं। बट एक टिप मैं आपको देती हूँ, आप है ना छोले जब इस तरह भिगोने रखते हैं ना, तभी इनमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दीजिए। उबालने के वक्त मत डालिए, वरना वो फिर हमको खाना पड़ता है ना। अभी सोकिंग के वक्त थोड़ा सा इसमें खाने का सोडा डाल दीजिए, अगर आपके छोले अच्छे से नहीं पकते हैं तो। और फिर से 4-6 घंटे भीगने दीजिए। और सानवी खुशी से हाय, हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज उल्टा हो गया बेटा। मैं ये कहने आई थी कि मेरे को ना ये चादर बदलना है, अगर तुम फ्री हो तो थोड़ा सा, पर तुमने तो ऑलरेडी सामान आज जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, हमने चादर चेंज करना है इसका। ऑलराइट, और डैडी को भी काम पे लगाना है। शर्मा जी, जब आप फ्री होंगे ना, एक टास्क है जो तुम ही कर सकते हो, प्लीज करवा देना। क्या? मैंने वो टैप एक्सटेंडर मंगाया था, वो लगा देना। हाँ, अभी नहीं, व्हेन यू आर फ्री। पक्का पक्का। चाय पियोगे? हाँ, चाय के लिए मना नहीं करता मैं। ठीक है। अरे एक चीज, आज मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे पास, तुम कुछ तो नया नया बताते हो। भाई अब मैं भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करता हूँ ना। तो कोई एक आपके कोई फॉलोअर है इंस्टा पे और YT के सब्सक्राइबर भी है, तो उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने तुमको सपने में देखा। हाउ स्वीट। हाँ, और तुम चाय बना रही हो और उन्होंने पोहा बनाया। मैं और चाय तो सिनोनिम हो गए। हाँ, तो उन्होंने पोहा बनाया और फिर तुमको सर्व किया, मेरे को दिया और बच्चों को दिया। हाउ स्वीट ना। हाँ, सीरियसली मतलब लोग कितना कनेक्टेड फील करते हैं ना, ये कितनी अच्छी बात है। एक्चुअली ना मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है कि मैं चाय बनाऊं, दूसरा कुछ और बनाए, बैठ के फिर खाएं पिएं, बातें करें। मतलब मिलजुल के अगर हम बातें कर रहे हैं तो मिलजुल के काम भी पहले निपटा लें, तो फ्री होके बैठ के बातें कर सकते हैं। उधर आप देख रहे हो, एक ग्रीन कलर का है ना शर्मा जी का स्क्रीन है, देना शर्मा जी। ये एक बर्ड है, ये बनाइए खुशी ने। ये बनाइए खुशी ने।
और वो कितने दिन तक ना इसको ऐसे ही हाथ में लेके घूमती रही है, फिर ऐसे ना उड़ा रही है, ये उड़ता है ये गिर जाता है, ऐसे करके वो सब चेक करती है इसपे। बच्चे 3-4 दिन तक बहुत ज्यादा वो रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और अभी ना उनकी मम्मी ने, इन दोनों की मम्मी ने ना इन दोनों को बहुत जबरदस्त टास्क दिया। हाँ, मैंने एक टास्क दिया हुआ है उन्हें, कम्प्लीट होगा ना तो वो जरूर आपको दिखाएंगे हम लोग पक्का। ये वाला चादर भी मुझे बदलना है, उस रूम का भी बदलती हूँ मैं, पहले चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पहले चाय। और मैं आई हूँ यहाँ पे शाम की चाय बनाने के लिए। और एक्चुअली ये जो ड्रेस है ना यार, मुझे किसी ने कहा था कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, आप पे अच्छा नहीं लगता। इज़ इट सो? मुझे तो ठीक ही लग रहा है। और ये ड्रेस अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में, ये मैंने मिंत्रा से मंगाए हैं और ये कॉटन नहीं है, उतने कम्फर्टेबल नहीं है, लाइक खुले खुले हैं वो ओके, बट दीज आर नॉट कॉटन। ऑल्सो मामाअर्थ पे चल रहा है उनका बाय वन गेट वन फ्री सेल, ये है उनका OMG सेल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको, इसका जो लिंक है ना और जो कूपन कोड है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदिए और उसके साथ कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा फ्री। अगर कोई प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाह रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप बाय कर सको, क्योंकि 50% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और चाय बनती है अदरक वाली मेजरली। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, महीने के 30 दिन होते हैं तो कम से कम 50-70 बार चाय बनती है इन दिनों में, और इसमें से 95% टाइम्स हम लोग अदरक की चाय पीते हैं। कभी अदरक नहीं है या थोड़ा यू नो चेंज का भी मन होता है तो फिर वो इलायची वाली या बड़ी इलायची वाली या मसाला चाय मैं बना देती हूँ, बट अदरक की चाय इज़ माई फर्स्ट लव एंड इट इज़ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर मी सुबह में और शाम में। आई नो नॉट अ गुड हैबिट, बट अभी हैबिट हो गई है और मुझे अच्छा लगता है, आई फील रिफ्रेश्ड। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर डाला, इसके बाद मैं आई हूँ वापस किचन में। जो छोले मैंने आपको दिखाए थे मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं, मैं इनको प्रेशर कुक करूँगी। और प्लान था मेरा छोले कुलचे बनाने का, फिर शर्मा जी ने मना कर दिया कि हैवी हो जाएगा और खाने के लिए लेट भी हो सकता है, तो मैं यहाँ बना रही हूँ छोले का पुलाव। यहाँ मैंने डाला है दालचीनी, एक काली इलायची, 2 तेज़पत्ता, स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा सा पानी। और ये छोले धुले हुए हैं, इनको अभी मैं सीटी लगाने रख दूँगी। और छोले आपको ऐसे पकाने हैं कि वो सॉफ्टली कुक हो जाए, लेकिन बहुत ही मैश्ड सॉल्यूशन आपको नहीं चाहिए, आपको खड़े खड़े छोले चाहिए जो फुल्ली कुक्ड हो। ये है थोड़ी हरी इलायची, काली मिर्ची, लौंग, तेजपत्ता, स्टार अनाइस, और ये है स्याह जीरा, इसे शाही जीरा भी कहते हैं, काली जीरी भी कहते हैं। ये छोटा सा होता है नॉर्मल जीरे के कंपैरिजन में और कलर इसका डार्क होता है, तो ये जीरा मैंने डाला है। और इन सबको एकदम से अभी भूनना नहीं है आपको, ऐड कर दीजिए प्याज और अब ये धीरे धीरे भुनेंगे, इससे आपके पुलाव में बहुत अच्छा इनका जायका आ जाएगा। अगर आप इन्हें गर्म तेल में डाल के एकदम से ही डार्क कर दोगे ना तो फिर वो बहुत अच्छा
टेस्ट और फ्लेवर इसका नहीं आता है। प्याज मैंने थोड़ा सा भून लिया है तो ऐड किया है मैंने थोड़ा सा चीनी यहाँ पे। प्याज अभी फुली कुक नहीं है, चीनी के साथ इसे कुक करेंगे। कुछ एक सेकंड मैंने इसे भून लिया है और इसके बाद डाला है यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब ये तीनों चीज़ें जिंजर गार्लिक और प्याज जब तक अच्छी तरह कुक हो जाए, थोड़ा थोड़ा ब्राउन दिखने लगे, तब तक आप इसे भूनिए बिल्कुल ऐसा। और ऐसा भुन जाने के बाद ऐड कीजिए इसमें टमाटर, कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। प्याज भी मैंने दो लिए थे, टमाटर भी मैंने दो लिए हैं इतने चावल के लिए। और ऐड किया मैंने इसमें थोड़ा सा टमेटो केचप, कसूरी मेथी, छोले का मसाला, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें थोड़े से जो पाउडर मसाले हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये थोड़ा तले में चिपक रहा है। मुझे एक्चुअली ये टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनना है बट क्योंकि ये चिपक रहा है मैं यहाँ ऐड करूँगी थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा नमक। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आप पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे तो तुरंत आपका जो मसाला है वो डीग्लेज होने लगेगा और पैन छोड़ने लगेगा। अब आप इसको ढक्कन लगा के कुक कर लीजिए तब तक जब तक कि आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। मैंने इसे 2-4 मिनट पकाया है, टमाटर अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है, मैं मैश करके देख रही हूँ ना, अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इसको थोड़ी सी देर और चला चला के भून लूँगी। और ये थोड़ा थोड़ा बॉटम में चिपक रहा है बट ये जो टूल है ना इसे खुंती कहते हैं, पलटा भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है स्क्रेप करने के लिए मसाला, इसलिए मैंने ये मंगाया है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला जो क्या कहेंगे लेडल टूल कुकिंग में। अच्छी तरह से प्याज टमाटर का मसाला भूनकर तैयार हो गया तो ऐड किया है मैंने इसे इसमें उबले हुए छोले। पानी नहीं डालना है, सिर्फ छोले डालिए और इसको मसाले के साथ मिला के कुछ एक मिनट भूनिए। और इसके बाद आपके जो चावल आपने सोकिंग पे रखे होंगे एटलीस्ट आधा घंटा सोक ज़रूर कीजिएगा, ये ऐड कर दीजिए आपके छोलों में। और ये है बासमती राइस, मैंने इसे आधा घंटा सोक किया है, इसे ज़्यादा स्टर नहीं कीजिए और तुरंत इसमें ऐड कीजिए गर्म पानी। पुलाव में जब आप गर्म पानी ऐड करते हो ना तो आपका पुलाव बहुत बेहतर बनता है। और अगर आपने चावल आधा घंटा सोक किया है ना तो 1 कप चावल के लिए 2 कप गर्म पानी इज़ इनाफ। डालेंगे स्वाद के हिसाब से, थोड़ा नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, 1 चम्मच घी ऊपर से और थोड़ा सा घर का गरम मसाला। आप मेरा चैनल और रेसिपीज़ अगर काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको पता है ये है मेरा एक्सपर्ट टिप, हमेशा ऊपर से थोड़ा सा देसी घी और गरम मसाला डालिए और फिर देखिए आपके पुलाव का रंग रूप भी और स्वाद भी कितना इन्हांस हो जाता है। ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट इसे पकाइए। और इसके बाद मैंने इसे 2-1 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दिया है, बहुत स्टैंडिंग टाइम मैं नहीं दे रही हूँ, मैं इसे पहले फ्लफ़ कर लूँगी। ये देखिए कुछ 12 मिनट मुझे लगे थे तब तक जब तक सारा पानी इसमें अब्सॉर्ब हो गया और मुझे चावल के ग्रेन्स पके हुए नज़र आए। 2 मिनट स्टैंडिंग टाइम के बाद मैं इसे फ्लफ़ कर रही हूँ इसी स्टेज पर। और ज़रा सा फ्लफ़ कर लेने के बाद आप इसे फिर स्टैंडिंग टाइम दीजिए 10 मिनट का, जब तक चावल को आप रेस्ट करने दे रहे हैं। बना लेते हैं रायता। दही लिया है, भुना जीरा का पाउडर, काला नमक, काली मिर्ची का पाउडर, नॉर्मल नमक, थोड़ा धनिया डालकर मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ये जो दही है ना इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए, एकदम क्रीमी कर लीजिए, तभी इसमें कुछ भी चीज़ जिस चीज़ का भी आप रायता बना रहे हो ना वो ऐड करें। शुरू में ही ऐड कर देंगे तो दही के थक्के दिखेंगे और फिर वो अच्छे नहीं लगते। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल रायता इसलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ खीरा, प्याज, टमाटर बारीक काट कर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते हुए टेक्निक ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो आपने सब्ज़ियाँ डाली हैं ना ये थोड़ी थोड़ी चूरनी है, इनके ऊपर इस तरह से लेडल प्रेस करते रहिए, दबाते रहिए तो ये खुल भी जाएंगे और इनका जो जूस है ना वो थोड़ा के रायते में आ जाएगा तो आपका रायता काफ़ी फ्लेवरफुल बनेगा। इसमें आपको पानी नहीं मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्रीमी और थिक ही अच्छा लगता है। बट अगर आपका दही काफ़ी ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा पानी मिला सकते हो। ये हो गया वेजिटेबल रायता तैयार और इस वक्त तक पुलाव को रेस्टिंग टाइम मिल चुका है, टाइम टू सर्व। और ये छोले पुलाव, चना पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। इसे छोले की बिरयानी भी कहते हैं कुछ लोग, आपको जो मर्ज़ी आए वो कहिए पर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से, आपको बहुत पसंद आएगा। और इस रायते के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम मस्त लगता है। जो आपका राइस और छोले हैं ना दोनों ही ड्राई हैं और दोनों ही यू नो सीरियल कैटेगरी में आते हैं तो इसके साथ थोड़ा सा वेजिटेबल का कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है। मैं इस
तरह बनाती हूँ, आप आपके वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप भी इस तरह बनाते हैं तो आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डू गिव इट अ ट्राई, आपको ये पुलाव और ये रायता पसंद आएगा। बातें बाद में, खाना पहले। तो हमेशा रह जाती हो लास्ट तक। देखो खुशी इज ऑल्सो डन। खुशी यू लाइक्ड इट? आई लव्ड इट मम्मा, आई लव्ड इट। शानू का देखिए, अच्छा मैं दिखाती नहीं हूँ बट आप अंदाजा लगाइए कि इसने रायता खाया होगा कि नहीं। इट हैज सो मेनी वेजिटेबल्स, पूरा रखा हुआ है। कितना मुश्किल से बेचारी ने एक दो चम्मच खाए हैं। और somebody suggested मैट पे रख के खाने का, तो आज शर्मा जी ने ही सेड कि मैं दस्तरखान बिछा रहा हूँ और मैट लगा रहा हूँ। किसी ने लिखा था कि दस्तरखान पे आप मैट बिछा दो तो अच्छा रहेगा, तो मैंने फिर कर दिया। आपका हो गया ना खाना? तो लगा दो टैप यार, फिर मुझे किचन साफ करना है। वो है कहाँ? यही कहीं था, ये रहा। चलो आओ लगाते हैं। शानू बाबू खा लो, फिर ये साफ करना है ना, उठाना है ये। कुछ हटो यहाँ पे है ना। पहले हम लोगों ने जो टैप एक्सटेंडर मैंने पहले मंगाया था जो सिल्वर कलर का था, वो भी वही था ना, प्लास्टिक का ही तो था। हाँ जी फेंक दो, वो भी प्लास्टिक का ही था ना, ऊपर से वो सिल्वर था वो, या वट एवर, हाँ जो भी था, बड़ा बेकार था वो, जल्दी ही खराब हो गया। तो फिर उसके बाद से मैं इसमें ऐसे कपड़ा, बिकॉज ना गाइस ये बहुत ऊंचा है, जब इस पर काम करते हैं तो सारा पानी बॉडी पर आता है। तो शर्मा जी ने कहा कि थोड़ा सा रीजनेबल ही मंगा लो, जब ये बार बार लाना पड़ता है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये प्लास्टिक का और ये काफी सस्ता भी है। एक मिनट दिखाओ ना हाथ में। पर यार ये तो मुझे डर लग रहा है इसको कसते हुए। ओ तुम कर लोगे? डर लग रहा है मन में कसते हुए। जब से शर्मा जी वो देखते हैं शादी मुबारक, उन्हीं की तरह बोलने लगते हैं कभी कभी। डर लग रो मने, भीत लागे छे मने, दैट वाज गुजराती। हमने भीत लागे छे। ये तो लेकिन अभी भी तो ऊंचा ही है तो अच्छा मुझे लगता है। ऊंचा है लेकिन अब इसमें ना छींटे नहीं आएंगे। देखो छींटे नहीं है, जैसे छींटे आते हैं ना गील हो जाते हैं पूरे, वैसा नहीं है। थैंक यू। और इसका पैन इतना मस्त लग रहा है ना, देखो मैं इसका प्रेशर कम करूंगा ना तो धीरे धीरे चलेगा। इतने खुश हो रहे हैं, थैंक यू। बाहर आएगा पानी। अच्छा यार इससे पानी की वेस्टेज भी कम होती है, स्प्रेड होता है ना, अच्छा भी लग रहा है देखने में। ऊंचा ही लग रहा है। ऊंचा तो है ही यार, देख अभी एक्चुअली नेट टैप दूसरी लानी पड़ेगी, ये इसके लिए नहीं है। ये टैप यहाँ होनी चाहिए थी, तब ये ऐसा होता तो अच्छा रहता। तो अच्छा रहता, इससे भीग जाने का डर है। उप्स, खाना हो गया तुम्हारा? नहीं। गो बैक।